केंद्र सरकार किसानों की आय संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रांची स्थित वन उत्पादकता संस्थान IFP द्वारा विकसित 5 पौधे को किसानों को उपलब्ध कराने और बाजार में बिक्री की मंजूरी प्रदान कर दी है। घर के साजो सामान, नए फर्नीचर और खिलौने बनाने समेत अन्य कार्यों में ये पौधे अब बड़े सहायक होंगे। रांची स्थित वन उत्पादकता संस्थान के निदेशक सह वरीय वैज्ञानिक नितिन कुलकर्णी का कहना है कि इन पौधों से किसान सालाना प्रति हेक्टेयर 3.25 लाख से 4.25 लाख की आमदनी कर सकते हैं। उसमें देश भर के लिए वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के द्वारा लगभग विभिन्न प्रजातियों के 22 क्लोन्स और वेराइटीज को देश में विभिन्न किसानों के लिए जारी किया गया, यानी रिलीज किया गया या विमोचित किया गया। इसमें से वन उत्पादकता संस्थान द्वारा किए गए पिछले 5-6 वर्षों के कार्यों के आधार पर 5 पॉपुलर की क्लोन्स, जिसमें से क्षितिज, रोहिणी, खुशी, आरंभ और लक्ष्मी नाम से 5 क्लोन्स को भी रिलीज किया गया। पॉपुलर क्लोन विकने वाले संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर आदित्य कुमार का मानना है कि 6 से 7 साल में तैयार होने वाले पौधे की वृद्धि अन्य पेड़ों की तुलना में काफी अधिक है। पॉपुलर एक बहुउपयोगी एवं तीव्र गति से बढ़ने वाली वृक्ष की प्रजाति है। यह कृषि वानिकी के लिए बहुत ही उपयोगी वृक्ष का एक कंपोनेंट है, जिसके साथ हम विभिन्न फसलों को लगा सकते हैं एवं किसान भाई अपनी आय को काफी बढ़ा सकते हैं। इसके अधिक उपजाऊ क्लोन्स को विकसित करने के लिए वन उत्पादकता संस्थान ने 2013 में इस पर रिसर्च स्टार्ट किया था। हमारे सेंट्रल रीजनल स्टेशन FREC पटना और जदुआ हाजीपुर में जो नर्सरी है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। पॉपुलर क्लोन की 5 किस्मों को